नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जहां पूरा देश विश्व महामारी कोरोना वायरस से परेशान है, वहीं रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत पलिया गांव के रहने वाले दीपक पटेल जो आदतन अपराधी हैं, जिसके ऊपर कई केस पहले से चल रहे हैं और 15 दिन पहले एक आपराधिक घटना को अंजाम दे चुका है। पुलिस अभी तक उसकी विवेचना पूरी नहीं कर पाई है और न ही अपराधियों को गिरफ्तार कर पाई है। इसी के बीच आज दीपक पटेल अपने साथियों के साथ भोले कुशवाहा को धारदार हथियार से वार किया, जिससे भोले कुशवाहा बुरी तरह से जख्मी हो गया। भोले कुशवाहा की पत्नी अनिता कुशवाहा ने बताया कि उनके पति सब्जी का धंधा करते हैं। रोज की तरह आज सुबह भी वो मनगवा से सब्जी लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में पलिया गांव में दीपक पटेल, गजेंद्र सिंह, अमित सिंह, छोटू सिंह, गोविंद सिंह, राजन सिंह, नंदू सिंह और प्रिंस सिंह सहित दबंग लोगों ने मेरे पति का ऑटो रुकवाया और 2000 मांग लगे। जबकि मेरे पति ने पैसे देने से मना किया तो टांगी और रॉड से मारने लगे और उनके हाथ पैर तोड़ दिए। पीठ में कुल्हाड़ी का घाव लगा हुआ है, जिससे मेरे पति बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो लोग नशे की हालत में हमेशा ऐसा ही काम करते रहते हैं। बताइए, आपका नाम क्या है? कुशवाहा। अच्छा अनिता जी, आज जो हादसा हुआ है, जिसको मारे हैं वो कौन है आपके? हमारे पति हैं। क्या नाम है उनका? देवनंदन कुशवाहा। किसने मारा? मारे वो पलिया के ठाकुर। पलिया के ठाकुर हो, किस लिए मारे उनको? उनके कुछ नहीं, झगड़े रहे हैं तो कहावत तो पैसा मांग रहे हैं, तो पैसा नहीं दी तो यहीं से मारी हूँ। अच्छा, कितना चोट लाई है उनको, आपने देखी है? हाँ, पूरे करिहा, गोड़, हाथ, पूरा मुड़ सब फोट डाली हूँ। पूरा मारी हूँ। किस से मारे हैं? छड़ से रे या टांगी से। और क्या किए उनके साथ फिर मारने के बाद? मारने के बाद फेंक दी हूँ। पैसा वैसा कुछ उनसे लिए थे? पैसा ले रहे हैं, 2000 तो ले लिए। चलिए ठीक है।